वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो फ्यूचर स्पाउस मैरिज प्रेडिक्शन होने वाली है। आज हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, कौन है आपके लाइफ पार्टनर, जीवन साथी। सो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर, आपको अपने ऑफिशियल नेम का पहला अक्षर चूज करना है। सो यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है। सो अगर आपके नेम का पहला अक्षर PGOACDKINUSXY है तो आपको ग्रुप वन या पाइल वन चूज करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर QHREBFLJMVZTW है तो आपको ग्रुप टू या पाइल टू चूज करना है। दोनों में से आप कोई भी पाइल को चूज कर सकते हैं आपके नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, पेड रीडिंग्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, रेमेडीज के लिए, आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपकी शादी किसके साथ होगी और कब। ओके, हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर PGOCADKINUSXY से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी और कब। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जी जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए या रेमेडीज के लिए, आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है ताकि ये विजिबल हो आप सबके लिए। तो लेट्स सी गाइस, तो जब तक मैं शुरू कर रही हूँ आप लोग तब तक प्लीज पॉजिटिव रहिए। We have Virgo. We have Venus. Okay. तो देख लेते हैं आपकी शादी किससे होगी। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन वेल नोन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अचीव इस पर्सन ने लाइफ में किया होगा, लेकिन उसके बाद भी ये इंसान ग्राउंडेड रहते होंगे। तो जब आप इनसे मिलोगे आपको देख कर लगेगा कि ये इंसान बहुत सिंपल है या बहुत यू नो फ्रेंडली है, फ्रैंक है एंड बहुत ज़्यादा यू नो एक्सेप्टिंग एनर्जी में रहते हैं। तो स्टार्टिंग में मिलने पे हो सकता है कि आपको इनके बैकग्राउंड का पता ना चले, या फिर आपको इनके अचीवमेंट्स के बारे में पता ना चले, या फिर इनके पावर के बारे में आपको पता ना चले। क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा यू नो प्रेस्टीजियस पर्सन है, बहुत ज़्यादा इन्होंने अचीव किया है लाइफ में, लेकिन घमंड इनको किसी भी बात का नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सेल्फ मेड पर्सन एंड इंडिपेंडेंट पर्सन है। तो मुझे लगता है कि ये बिलोंग, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि यू नो बहुत ज़्यादा इस जगह से बिलोंग करते थे जहाँ पे यू नो इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, फिर जाके इनको बहुत कुछ नसीब हुआ है ज़िंदगी में या नसीब हो रहा है ज़िंदगी में, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सन है, हर एक इंसान में इक्वालिटी देखते हैं, हर एक इंसान को अपना मानते हैं, एम्पैथेटिक हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ना किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्राइड या ईगो इस पर्सन में काम नहीं करता, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। दूसरी चीज़, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, ठीक है, और ऐसे इनकी पर्सनालिटी है जिनको अपना मानते हैं उनके लिए सब कुछ कर देंगे, सब कुछ मिटा देंगे, सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन जिनको अपना नहीं मानते हैं या फिर यू नो जिनसे इनकी नहीं बनती उनसे ये हमेशा दूर रहते हैं और उनके लिए कुछ करना भी ये प्रिफर नहीं करते। चाहे कितनी भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अगर इनके साथ किसी की नहीं बनती या किसी को ये पसंद नहीं करते, तो अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भी कुछ निभाने की या रिश्ता निभाने की या कुछ करके देने की, वो ये नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये इंसान थोड़े से मिस्टीरियस होंगे, मतलब
जहाँ पे जितना ज़रूरत वहाँ पे उतना करते होंगे, हर एक लोगों से बात करते होंगे लेकिन यू नो सबके साथ क्लोज़ नहीं होते हैं, ठीक है। और जिनको ये पसंद नहीं करते उनको ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे और रिश्ता वो बिल्कुल भी नहीं निभाते, उनसे तुरंत वो रास्ता नाप लेते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यू नो ऐसे इनकी अपीयरेंस है कि हर एक इंसान इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ओके। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, ठीक है। मतलब जो भी नॉलेज आपको देंगे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। और मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो भी मुँह से बोलते हैं उसमें एक यू नो उसमें एक वेट वज़न रहता है, इनके बातों में वज़न है, मतलब कि इनके बातें बहुत वैल्यूएबल होती है, बहुत सोच समझ के बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी बोल दिया, ठीक है। बहुत सोच समझ कर बात करते हैं, जो भी बात करते हैं वो लोगों का दिल जीत लेते हैं या फिर लोगों को उसमें मदद मिल जाती है इनके बातों से। तो इस तरीके की पर्सनालिटी दिख रही है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, मतलब दिमाग बहुत है, ठीक है। क्लेवर है ये इंसान, नॉट इन अ बैड वे, बट मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग, शार्प माइंडेड पर्सन ये इंसान कहीं ना कहीं है। मिस्टीरियस है, बहुत जल्दी बहुत कुछ ओपन अप नहीं होते, बहुत जल्दी बहुत कुछ किसी को नहीं बताते, ठीक है। इनकी आईज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, आईज़ से ये इंसान बात करते होंगे, मतलब कि एक्सप्रेसिव आईज़ होगी इस पर्सन की, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग एंड मुझे नज़र आ रहा है कि हाइट इनकी मीडियम होगी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होंगे, मेल भी होंगे तो बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होंगे, टॉल होंगे लेकिन नॉर्मल 5'8", 5'10", 11" इस तरीके के। फीमेल भी होंगी तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगी, लेकिन हाँ 5'6" तक 5'7" तक होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है एंड फिगर इनका बहुत अच्छा रहेगा, अट्रैक्टिव फिजिक, ठीक है। जैसे भी इनका फिजिक हो, फिजिक इनका कैसा भी हो सकता है बहुत लीन हो सकता है चबियर साइड में हो, बट जैसा भी इनका फिजिक होगा अट्रैक्टिव होगा, लोगों को उनका फिजिक पसंद आएगा, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है एंड मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा आउटडेटेड पर्सन है, आउटडेटेड तरीके से रहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग में ध्यान देते हैं, लुक्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है। एंड अपने स्टाइल्स को चेंज करते रहते हैं, अपने फिजिक को चेंज करते रहते हैं टाइम के साथ साथ, अपना डाइट चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न पर्सन, बट उसके साथ साथ अपने मोरल, इनके मोरल वैल्यूज़ एंड एथिक्स डेफिनेटली हैं जिसको ये फॉलो करते हैं, और जहाँ से ये बिलोंग करते हैं उस चीज़ को वो कभी नहीं भूलते। तो कहीं ना कहीं अपने रूट से ये इंसान बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, अपने फैमिली से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। Let's see. We have Queen of Vessels. We have King of Arrows. So देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा balanced है, इनके अंदर emotions का और practicality का balance बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये इंसान इमोशनली है, दिमाग से बिल्कुल नहीं सोचते, प्रैक्टिकल नहीं है, बस अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में, और ऐसा भी नहीं लगेगा कि बहुत प्रैक्टिकल है, इमोशंस बोल के कोई चीज़ नहीं है, रोमांटिक नहीं है। बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस्ड इस पर्सन की एनर्जी है, जहाँ पर ज़रूरत है प्रैक्टिकल यू नो फैक्टर्स को इस्तेमाल करने की वहाँ पर वो करेंगे, जहाँ पर ज़रूरत है अपने इमोशंस को वर्क करवाने की या रोमांस करने की या फिर यू नो दिल से सोचने की तो ये सोचेंगे। तो बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़े से रूट साइड में हो सकते हैं, मतलब जो भी बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, खुल के बात करेंगे चाहे बुरा लगे सामने वाले को या अच्छा लगे, लेकिन कभी भी शुगर कोट करना इनको पसंद नहीं है, ठीक है। और जिनसे ये प्यार करते हैं, जिनको जिनको ये अपना मानते हैं, उनको ये ज़्यादा यू नो उनको अगर कुछ बुरा लगे तो ये क्लियरली और बताते होंगे। तो बात करने के तरीकों में मुझे लगता है कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो सीधा दिल में चुभती है, इस तरीके की एनर्जी इनकी है, ठीक है। तो ये एनर्जी इनका थोड़ा सा नेगेटिव साइड होगा कि जो भी बोलेंगे एकदम मुँह पे बोल देंगे और ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाले को कैसा लग रहा होगा सुनकर, ठीक है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा केयरिंग वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का केयर करना जानते हैं, ठीक है। अपनों के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, अपनों के लिए ये मर मिट सकते हैं, अपनों के लिए सब कुछ लुटा सकते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब कभी भी डाउट या फिर आपको क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा या उनसे पूछना तक नहीं पड़ेगा कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, आपको अपने आप वो चीज़ महसूस होगी, ठीक है, हर एक पल, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस एंड वेल नोन पर्सन होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा ऑथोरेटिव पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, पावर इनके हाथ में डेफिनेटली रहेगा, बहुत सारे लोग इनको यू नो गुरु की तरह मानते होंगे या बहुत सारे लोग इनको रेस्पेक्ट करते होंगे, बहुत सारे लोग इनको पूछते होंगे, ऐसे भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है।
ओके चलिए और भी कार्ड देखते हैं। प्रोफेशन इनका कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है, बट जो भी वर्क में रहेंगे उसमें मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन पे रहेंगे एंड बहुत सारे लोग इनको मानते होंगे, बहुत सारे लोग इनसे बहुत कुछ सीखते होंगे, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। सो कहीं ना कहीं जिस भी प्रोफेशन में फील्ड में है वहाँ पर बहुत सारे लोग इनको जानते हैं एंड बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, इनको एपिटमी मानते हैं, इनकी तरह बनना चाहते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नंबर 13, डो टू वैल्यू नंबर 31, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज दिख रही है आपके पर्सन की। तो देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस पर्सन के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा, यानी कि इस पर्सन के ज़िंदगी में हमेशा एक अकेलापन, हमेशा एक खोखलापन हमेशा बना रहेगा, चाहे ये कितना भी ज़्यादा कमाए या फिर अब तक आपके आने से पहले मुझे लगता है कि इस इंसान के पास बहुत सक्सेस रहेगा या फिर ये उसी पाथ पर रहेंगे सक्सेस पाने के, सब कुछ रहेगा लेकिन लाइफ में प्यार नहीं होगा, लाइफ में एक फुलफिलमेंट नहीं रहेगा। तो हो सकता है कि इनके कनेक्शंस फैमिली के साथ उतने अच्छे ना हों या फैमिली से अलग रहते हों या फिर ये ऑर्फन हों, ऐसे भी चांसेस हैं। तो जब अपने ही साथ नहीं होते तब आप नो मैटर कितने सक्सेसफुल हो, कितने इंडिपेंडेंट हो, हमेशा अकेलापन आपको चुपता रहेगा। तो वही चीज़ आपके पर्सन की नज़र आ रही है कि सब कुछ होते हुए भी इनको ऐसा लगेगा कि मन में शांति नहीं है, खुशियाँ नहीं है, कलर नहीं है, पैसा होने का भी क्या फ़ायदा, ठीक है, अकेलापन जब है। तो ऐसे मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपके मिलने से पहले ये इंसान बाहर से तो बहुत ज़्यादा अचीव कर रहे होंगे लेकिन अंदर से ये खुश नहीं होंगे, इमोशनली ये ड्रेन्ड होंगे, ठीक है, अंदर से उनको ऐसा लगेगा कि एम्प्टी है ये इंसान, इनकी ज़िंदगी अधूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके आने के बाद से मुझे लगता है कि असली सक्सेस को ये इंसान महसूस कर पाएंगे, असली खुशियाँ इनकी ज़िंदगी में आएगी। तो मतलब जो रिस्पेक्ट इनको अब तक मिलते आ रहा था या अचीवमेंट मिलते आ रहा था उससे ये कहीं ना कहीं खुश नहीं थे, मिल रहा था ठीक है चलो हो रहा है हम कर रहे हैं काम, लेकिन आपके आने के बाद मुझे लग रहा है कि उस अचीवमेंट को, उस रेस्पेक्ट को ये पर्सन दिल से इंजॉय कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे उस खुशियों को, क्योंकि आपके आने के बाद इनके दिल में जो खोखलापन है, इनके ज़िंदगी में जो अंधेरा है वो मिट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 13 है और यहाँ पर 31 है, देख सकते हैं आप लोग नंबर्स, ठीक है, कितनी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बाहर से अलग है, अंदर से अलग है, ठीक है, बाहर से इस इंसान के पास सब कुछ है, ये खुश हैं, लोग इनकी तरह बनना चाहते हैं लेकिन अंदर से ही ये इंसान उतने ही अकेले हैं या फिर पेन में है या फिर खुश नहीं है बेसिकली, ठीक है, मिस्टीरियस हैं, शेयर करने वाला कोई नहीं है, इनका वेट करने वाला कोई नहीं है, इनको चाहने वाला कोई नहीं है दिल से, ठीक है, अनकंडीशनल तरीके से जो कि आप करोगे, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो फ्रेंडशिप से ही स्टार्ट होगा। तो चांसेस हैं कि आप कहीं घूमने जाओ, जैसे कि किसी ट्रिप पे जाओ, ट्रिप मतलब ऐसा ट्रिप नहीं कि कहीं दूर अचानक से जा रहे हो, नहीं, ट्रिप मतलब कि जैसे आप अपने गांव जा रहे हो घूमने, ठीक है, या फिर किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो तो उस टाइम पर आप लोग मिल सकते हो, ओके, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी वर्क प्लेस में जा रहे हो, कहीं पे आपकी जॉब लगी है, बिजनेस लगा है, आप कहीं पे कोई सर्विस लेने जा रहे हो तो उस वर्क प्लेस में आप दोनों की मुलाकात हो सकती है और फिर आप दोनों की फ्रीक्वेंटली मुलाकात होने के चांसेस बन जाएंगे, जहाँ पे आप लोग डेली मिल रहे हो या वीकली मिल रहे हो या मंथली मिल रहे हो एंड देन धीरे धीरे आपकी कनेक्शन बढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही आपको ऐसा महसूस नहीं हो जाएगा कि अरे यही है वो इंसान एंड पहले दिन में ही वो ऐसा नहीं होगा कि आपकी बहुत गहरी दोस्ती या डेटिंग स्टार्ट हो गई, नो, बहुत धीरे धीरे चीज़ें होंगी फ्रेंडशिप से, देन मतलब आप दोनों का कनेक्शन इस तरीके से बनेगा कि आप दोनों को भी नहीं पता चलेगा। तो आप दोनों का एकदम टिपिकल डेटिंग जो होता है ना कि आप लोग डेट कर रहे हो या रोमांटिक रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जा रहे हो फिर शादी कर, ऐसा नहीं होगा, दोस्ती से ही कब प्यार में बदलेगा, प्यार से कब शादी होगा, मतलब कब आप लोग बेस्ट फ्रेंड से आप लोग कब लवर्स एंड देन फिर लाइफ टाइम पार्टनर्स बन जाओगे, आप दोनों खुद ही शॉक में रहोगे कि कैसे ऐसे हो गया बिना बोले या बिना एफर्ट्स दिए, मतलब नेचुरली चीज़ें होंगी आप दोनों की, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, और भी कार्ड्स देखते हैं। रिस्पेक्ट, तो देखिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन होने वाले हो सोसाइटी के लिए, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस इंसान होने वाले हो आगे आने वाले वक्त पर या फिर उसके अभी भी आप हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्पेस दोगे, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, कभी भी आप दोनों एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे या फिर कभी भी आप दोनों एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाओगे,
ठीक है, आप दोनों हमेशा एक ही लेवल पर रहोगे, हमेशा एक दूसरे से इंस्पायर होते रहोगे और हमेशा यू नो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करोगे, एक दूसरे को एडमायर करोगे, तो आप दोनों हमेशा एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहोगे एंड यू नो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आप दोनों यू नो लाइक बहुत ज़्यादा खुश भी होगे, साथ में एडमायर करोगे, ठीक है, आप दोनों अपने आप को लकी फील करोगे कि आप दोनों एक दूसरे को मिले हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। तो देखिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे, बाहर से बहुत ज़्यादा अलग, अंदर से उतने ही आप दोनों एक समान होंगे। तो बाहर से हो सकता है कि आप दोनों के प्रोफेशन अलग हो, लाइफस्टाइल अलग हो, ज़िंदगी को जीने का नज़रिया अलग अलग हो, लेकिन अंदर से आप दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे, तो मिररिंग वाली एनर्जीज हैं, ठीक है। तो जो कमियाँ हो सकता है कि आपके अंदर है आपको वो उनके अंदर दिख जाए और वाइस वर्सा, ठीक है, या जो अच्छाई आपके अंदर है वो आपको उनके अंदर दिखेगी, इस तरीके की एनर्जी, मिररिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। तो आप दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर होने वाले हो एनर्जेटिक लेवल पर। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये इंसान सिमिलर होंगे आपसे, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। अगर आप इमोशनल हैं, आप लोगों को प्यार करना चाहते हैं, तो वो भी वैसे ही होंगे, ठीक है। तो आपको हो सकता है बहुत सिमिलर लगे ये रीडिंग की, ये तो मेरी तरह हो गया, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो वो आपसे बिल्कुल अलग हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको लग सकता है कि नहीं ये तो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के भी हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आप दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, तो ये तो और अच्छी बात है, ठीक है। डिफरेंसेज ज़्यादा, जितना डिफरेंसेज जितना कम रहेंगी उतनी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे है लुक डीप विद इन योर हार्ट, यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गहरा प्यार रहेगा एंड मुझे लगता है कि आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो सकता है कि आप इनसे मिल चुके हो अभी, हो सकता है नहीं मिले हो सकता है पास्ट के पर्सन हो, बट जो भी चीज़ है मुझे लगता है कि सोल टू सोल आप दोनों कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो और आप दोनों को महसूस होता है कि हाँ मेरा वाला या मेरी वाली कहीं पर है अभी, मुझे पता है इसी दुनिया में किसी कोने में ज़रूर है, ठीक है। तो आप दोनों का प्यार बहुत गहरा है, प्यार के बेसिस पे ये रिश्ता होगा, ये मैरिज होगा, ठीक है, और आप दोनों ऑलरेडी सोल टू सोल कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप इन्हें जानते हो और अगर नहीं भी जानते हो तो बहुत जल्दी मिलोगे, ओके। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है और आप दोनों का जो मैरिज है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा लेट होगा और अनएक्सपेक्टेडली मैरिज होगा जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है कि इतने महीने में इतने तारीख में आपकी शादी होगी, आपकी जो शादी है ना वो डिवाइन की तरफ से होगी लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं, आपको हो सकता है कि जब यू नो शादी का प्लान करो तो आपको प्लान करने के लिए ज़्यादा टाइम भी ना मिले, जल्दबाजी में आपको करना पड़े, ऐसी भी एनर्जीज यहाँ दिख रही है। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर वन, हेलो पाइल नंबर टू, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर QHREBFLJMVZTRW है तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी और कब। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, रेमेडीज के लिए मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ओके। सर चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, तब तक प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और देख लेते हैं कि आपकी जीवन साथी कौन होने वाले, बेसिकली पूरे डिटेल में देखेंगे। हमारे पास है यूरेनस, वी हैव एक्वेरियस, वाओ, ओके। सो देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, ठीक है, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यूरेनस से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अलग होंगे आपसे, बहुत ज़्यादा अलग, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, मतलब आप नॉर्थ हो तो वो साउथ है, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होंगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस, आपकी माइंड सेट, आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदलेगी। यू नो एक मेजर टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का तब होगा जब इस इंसान से आप मिलोगे। इस इंसान से मिलने के बाद आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपके लाइफ में अवेकनिंग आएगी। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि वो आपसे बहुत अलग है
तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा आइडिया या फिर बहुत ज़्यादा यू नो इंस्पिरेशन भी मिलने के चांसेस हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा लकी होंगे एंड ये इंसान आपकी ज़िंदगी में सडन चेंज लेकर आएंगे। मतलब जब ये आपके लाइफ में आने वाले होंगे ना, तब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे होंगे। हो सकता है कि नए सिटी में आप शिफ्ट कर रहे होगे, नया जॉब लग रहा होगा आपका, या फिर जो काम बन नहीं रहा था अचानक से बन गया, अचानक से कोई अचीवमेंट मिल गई आपको, या अचानक से यू नो चीज़ लोग आपको पहचानने लगे, ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पर होंगी। ये इंसान बहुत लकी होने वाला है आपके लिए। मुझे दिख रहा है इन जनरली भी ये इंसान बहुत लकी है। मतलब जहाँ पर कदम रखते हैं, ठीक है, वो जगह सुनहरा हो जाता है, ठीक है, उस जगह में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, उस जगह में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिसके भी ज़िंदगी में जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर मुझे लगता है कि ये इंसान यू नो बहुत ज़्यादा लक या अबंडेंस ला देते हैं। तो ये पर्सन, इस पर्सन की ये मुझे दिख रहा है कि यू नो इनबिल्ट गिफ्ट है जो कि इनको मिली है, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके अंदर कुछ हिडन पावर्स पोटेंशियल ज़रूर है, ठीक है। ये इंसान बाकी लोगों से, बाकी चार लोगों से बहुत अलग है, इनकी ऑरा बाकी चार लोगों से बहुत अलग है, ठीक है। तो कुछ एंजेलिक ऑरा लेकर ये इंसान चलते हैं, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अर्थ एंजल हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा नॉर्मल एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से नहीं आ रही है, ठीक है। कुछ तो अलग बात है इस इंसान में, कुछ तो मैजिकल है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। ये इंसान मुझे लगता है कि दूसरे कंट्री से भी हो सकते हैं या फिर वर्ल्ड वाइड जुड़े हुए हो सकते हैं। मतलब जो भी ये काम करते हैं, हो सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर ये इंसान यू नो रिप्रेजेंट करते हैं अपने वर्क को। ये इंसान आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, शोज करते हो, कॉन्सर्ट्स करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं मुझे। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, बट जो भी फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, मुझे लगता है कि उसको ये इंसान बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर यू नो ये प्रेजेंट करते हैं। तो यूट्यूबर वगैरह हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से भी हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, बट जो भी फील्ड से हैं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है फेमस बहुत ज़्यादा है ये पर्सन। ये पर्सन को दूर दूर तक लोग जानते हैं एंड यू नो ये अपने वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फ्रीडम लविंग पर्सन है। इस पर्सन को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई इनको रोके टोके, कोई इनको बताए कि इन्हें क्या करना है। ये इंसान अपने मन के मालिक हैं और मुझे लगता है रेबेलियस है, मतलब कि चैलेंज लेना इनको बहुत पसंद है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, मतलब अगर ये फीमेल भी होंगी लेकिन मैस्कुलिन बहुत है, मतलब पावरफुल, इंडिपेंडेंट एनर्जी, अल्फा वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, जहाँ पर ये इंसान अपने यू नो अपने मुताबिक चलना चाहते हैं, जहाँ पर ये इंसान को पता है कि इन्हें क्या करना है लाइफ में, कैसे अचीव करना है, कैसे सक्सेसफुल बनना है। तो इनको पसंद नहीं है कि कोई इनको यू नो बार बार रोके टोके या बार बार इनको बताए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये अपने मर्जी के मालिक हैं, कोई भी इन्हें रोके, चाहे वो इनका फैमिली मेम्बर हो कोई हो, इनको बिल्कुल नहीं पसंद, इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई इनको सामने से आके कुछ सजेस्ट करे, एडवाइस दे या कुछ बोले, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस पर्सन को एक जगह रहना पसंद नहीं, एक ही तरीके की चीज़ें पसंद नहीं। ये पर्सन बहुत जल्दी बोर होते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो इस पर्सन को हमेशा एक नयापन चाहिए होता है, हमेशा चेंजेस चाहिए होते हैं, हमेशा कुछ एक्साइटिंग चाहिए होता है, ठीक है, हमेशा ये एडवेंचर करना चाहते हैं, हमेशा एक नयापन चाहते हैं। बोरिंग चीज़ें इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है क्वीन ऑफ एरोज, वी हैव टू ऑफ एरोज। देखिए तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने मुताबिक काम तो करते भी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी होते हैं, ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और ये पर्सन ना मतलब दिल से कुछ और सोचते हैं, दिमाग से कुछ और सोचते हैं, तो इनके ना मतलब दिल और दिमाग में कोई मैच नहीं है, ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपने ज़िंदगी में, ठीक है, और सही तरीके से डिसीजंस नहीं बना पाते हैं। बहुत बार इन्होंने बहुत बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत सकते लाइफ में इन्होंने बहुत बार गलतियाँ की हो, इसी वजह से किया है, क्योंकि ये इंसान दिल से कुछ सोचते हैं, दिमाग से कुछ सोचते हैं, और फिर समझ नहीं पाते हैं कि इन्हें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, दिल से सुनकर लेना चाहिए, दिमाग से सुनकर लेना चाहिए। तो वैसे तो ये इंसान बहुत ज़्यादा यू नो सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट पर्सन है, लेकिन लाइफ में मैक्सिमम टाइम में यू नो ये कन्फ्यूज रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए उन्हें, और फिर जब ये खुद से डिसीजन लेते हैं तो इनको यू नो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, और किसी की सुनना तो ये बिल्कुल पसंद भी नहीं करते, ठीक है। तो थोड़े से मुझे लगता है कन्फ्यूज एनर्जी ये रहेंगे, मतलब जब आपसे मिलेंगे या जब आपके साथ इनका कनेक्शन बनेगा, तभी बहुत सारी चीज़ों में आप देखोगे कि ये इंसान आपको बोल रहे हैं कि चूज़ करके दो, या फिर यू नो ये आपको अल्टीमेट मतलब डिसाइड करके तुरंत बोल नहीं पा रहे कि मैं ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, ये टाइम लेंगे अपना बहुत ये सारी चीज़ों में, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। और मुझे लगता है कि ये इंसान यू नो थोड़े से कटु बोलते हैं, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि यू नो मतलब ये इंसान ना ऐसे हैं कि इतना ज़्यादा सोचते नहीं है, ठीक है, मतलब बुरा लगे तो ठीक है, अच्छा लगे तो ठीक है, तुम अपना देख लो, ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की है मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड है, ठीक है,
तो लोगों की केयर करते हैं लेकिन उतना भी नहीं, ठीक है, मतलब जब बोलना है इन्हें कुछ तो ये बोल देते हैं, फिर नहीं देखते हैं कि तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। तो ऐसे एनर्जी है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, किसी के लिए वेट नहीं करते हैं कि क्या होगा अगर दोस्ती टूट गई हो, दोस्ती टूट गई तो या कनेक्शंस ख़राब हुए तो, इनको जो बोलना है, इनको जो करना है वो कर लेते हैं अपने तरफ से, बाकी ये देखते नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे वाले एनर्जी है, ज़्यादा सोचते विचारते नहीं है, ठीक है, ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं लेकिन बस अपने लाइफ की गोल्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए नहीं करते। तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है यूथफुल है, थोड़े से चाइल्डिश भी है, मच्योर भी है, तो हर एक चीज़ का मिक्सचर इस पर्सन के अंदर से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये इंसान मल्टी टैलेंटेड है, मल्टीपल काम हो सकता है करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहते हैं हमेशा, क्योंकि इनका ध्यान हर बहुत जगह भटकता है, बहुत सारे टैलेंट्स हैं इनके, बहुत सारे स्किल्स हैं इनके, तो ये हर एक चीज़ पे वर्क करते हैं। तो ये इनके पास टाइम नहीं रहता है या फिर ये शांत नहीं हो पाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है हमेशा अस्थिरता में रहते हैं, कभी भी इनको आप पीसफुली देख नहीं पाओगे, कभी भी आपको नज़र नहीं आएगा कि हाँ ये इंसान शांत है या सेटिस्फाइड है या फिर आराम से ज़िंदगी को जी रहे, नहीं, हमेशा इनके लाइफ में एक हसल रहेगा, हमेशा एक बेचैनी, ये करना है वो करना है कैसे करना है ये करना है, और इससे करते करते टाइम चला जाता है इनका, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की, तो ये थोड़ा सा अनोइंग आपके लिए हो सकता है, ठीक है, अगर आप यूज्ड टू नहीं है तो। फोर चक्र आर्कएंजल रफेल नंबर 38, सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन नंबर 14। ये इंसान बहुत ज़्यादा अवेकन पर्सन, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ये इंसान बहुत लविंग पर्सन भी होंगे, ठीक है, मतलब लोग भी इनको प्यार करते होंगे, ये भी लोगों को प्यार करते होंगे, ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है, और डाई हार्ट रोमांटिक होंगे, ठीक है, मतलब अगर प्यार करते हैं तो करते हैं, शो ऑफ अगर इन्हें करना है, रोमांस अगर करना है सबके सामने तो करना है, फिर ये नहीं सोचेंगे कि कौन देख रहा है, कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो ये इंसान लोगों के बारे में उतना नहीं सोचते हैं, ठीक है, लोगों के जजमेंट्स के बारे में उतना नहीं सोचते हैं। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, ठीक है, एंड जो है दिल में वो ये बोलते होंगे, वो ये करते होंगे, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो इनको रोक टोक नहीं पसंद, उसके अलावा मुझे लग रहा है ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, प्यार करना जानते हैं, इमोशंस को समझ पाते हैं, ठीक है, एक्सप्रेसिव हैं, ठीक है, गिविंग एनर्जी में भी ये इंसान रहते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर अच्छे क्वालिटीज़ बहुत सारे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बट थोड़े से ये हैंडल करने में डिफ़िकल्ट है, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान बाकी लोगों की तरह नहीं है, इनकी मेंटालिटी, इनका रहन सहन बहुत ज़्यादा अलग है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पाक है, बहुत ज़्यादा सैक्रेड है, प्योर है, तो इनको हैंडल करना या इनके साथ थोड़ा सा मैच करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट अल्टीमेटली इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो हेल्प से स्टार्ट हो सकता है, मतलब आप उन्हें हेल्प कर दो या वो आपको हेल्प करें, और देन उससे आप दोनों के बीच में कनेक्शन धीरे 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 बढ़े, या फिर आप दोनों कुछ नॉलेज शेयर करो, तो कुछ वर्क रिलेटेड चीज़ों से या फिर हेल्प वाली एनर्जी से आप दोनों का रिश्ता या आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, ठीक है। ऐसे मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, और मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के घर हो गए, मतलब एक दूसरे के लिए होम हो गए, बिकॉज मुझे लग रहा है जो कंपैटिबिलिटी आप दोनों को एक दूसरे में मिलेगी वो किसी और में आपको नहीं मिल पाएगी, किसी फैमिली मेम्बर में भी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो एक एक शांति और हमेशा शेयर करने वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में रहेगी, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बात को शेयर करके बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है, लाइट फील करोगे, और हमेशा आप दोनों मतलब सच बोलोगे एक दूसरे से, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है, और ये इंसान मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है, ये एनर्जी है। भले ही ये डिसाइड करने में टाइम लेते होंगे, भले ही आपको तुरंत कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है, भले ही जो आप मांगोगे इनसे ये तुरंत उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, लेकिन बाद में वो काम ये ज़रूर करेंगे, ठीक है, टाइम लेकर करेंगे लेकिन, ठीक है। तो थोड़े से स्लो हैं ये चीज़ों में, तो पहले हो सकता है कि आप इनसिक्योर हो या फिर आपको डर लगे कि नहीं शायद ये पर्सन चीटर है या इनके साथ कुछ नहीं हो सकता, ये इंसान आपको बोलते नहीं हैं, लेकिन ये टाइम लेकर बोलते हैं, ये फील बहुत कुछ करते हैं लेकिन बोलते हैं समय के साथ, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है, सो आप दोनों कनेक्शन में थोड़ा सी डोमिनेटिंग वाली एनर्जी रहेगी, ठीक है, ये पर्सन थोड़े से डोमिनेटिंग है, नॉट इन अ बैड वे बट गुड वे, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में एक फीलिंग रहेगा, ठीक है, आप दोनों इस कनेक्शन में डिवोटेड रहोगे कि हाँ हम दोनों किसी और के नहीं हो सकते, हम किसी और के बारे में सोचेंगे तक नहीं, और कोई हम किसी पे इंटरेस्ट देंगे नहीं, ठीक है। ऐसे वाले एक ओनरशिप रहेगा इस कनेक्शन में, थोड़ी सी डोमिनेटिंग सबमिसिव वाली एनर्जी रहेगी, बट वो अच्छे के लिए है, एंड इस कनेक्शन में एक डिवोशन डेफिनेटली रहेगा आप दोनों के तरफ से ही, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। और आप दोनों को बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे, तो ऐसा हो सकता है खट्टा मीठा वाला रिलेशन आप दोनों का कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं।
देखिए फ्रीडम, सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। अगर उस रिश्ते में फ्रीडम नहीं रहेगा, देखिए आपके जो पर्सन, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, वो आपको पूरा फ्रीडम देंगे, वो आपको ट्रस्ट करेंगे, लेकिन आपको पूरा फ्रीडम देंगे। तो आपकी तरफ से भी ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप उनको ट्रस्ट कर रहे हो और आप उन्हें फ्रीडम दे रहे हो और आप उन्हें करने दे रहे हो जो उन्हें करना है, ठीक है, अगर वो सही चीज़ है तो, ठीक है। तो अगर आप थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हो गए, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो जाओगे, तो फिर आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ चलने में बहुत प्रॉब्लम्स आएगा, ठीक है। तो आपको प्यार को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा इस रिश्ते में, क्योंकि आपके पर्सन थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स एंड मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अलग होंगे, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपसे मैच ना करें और आप उन्हें मना करो, रोको टोको, तो उसमें ही प्रॉब्लम शुरू होगा, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत फ्रीडम देंगे। तो आपको भी ट्राई करना पड़ेगा कि आप भी उन्हें फ्रीडम दो और उन पर ट्रस्ट करो, ठीक है, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी ट्रस्ट वर्दी है, ये आपका ट्रस्ट कभी भी नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। तो फ्रीडम यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के मैरिज में, ठीक है। फ्रीडम आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से बिल्कुल आएगा और आपको भी देना पड़ेगा। और एक्सेप्टेंस, देखिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों बहुत अलग हो गए, आप दोनों के प्रोफेशन बहुत ज़्यादा अलग हो सकते हैं, आप दोनों के रहन सहन भी बहुत ज़्यादा अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक्सेप्टेंस रहेगा तो कनेक्शन आप दोनों का बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा और आप दोनों को कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा, अप्स एंड डाउन्स भी या फिर झगड़े भी आप दोनों के बीच में नहीं होंगे, अगर आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करोगे तो, और फ्रीडम दोगे और प्यार करोगे तो, ओके। और आप दोनों की शादी की टाइमिंग मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी अगर आप लोग सेटल होना चाहते हो, अगर आपको इच्छा है शादी करने की, तो 1 से 1.5 साल का वक्त लगेगा, कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स का टाइम लग सकता है, और जो लोग यंग है अभी उनके लिए तो भी बहुत टाइम दिख रहा है मुझे, ओके, क्योंकि ये थोड़ी सी लेट मैरिज होगी। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टू